हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। वी हैव स्टार्टेड द सीरीज एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और सेकंड पार्ट में मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी के टॉपिक के ऊपर हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रॉम ए लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी 100 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इफ द लाइन ज्वाइनिंग देम पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक लाइट हाउस है जहां पर बोट्स और शिप्स रखी जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर ये हमारा लाइट हाउस है तो यहां पर ये ग्राउंड लेवल कह लो या जहां पर हमारी शिप्स रखी जा रही है, ओके, तो यहां पर ऑपोजिट साइड पे बोला है तो शिप नंबर 1 और शिप नंबर 2 मान लो यहां पर है हमारी। तो उन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स विच इज ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली, एंड एंगल जो ऑब्जर्व किए है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहां पर शिप 1 पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ऑब्जेक्ट शिप 1 हो गई डाउनवर्ड और हमारा एंगल बनेगा ऊपर क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री, ओके। तो सेकंड जो एंगल बन रहा है वो सेकंड वाली शिप जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसका एंगल हमारे पास कितना बन रहा है 45, ओके। तो एक एंगल हमारा डिप्रेशन, दोनों एंगल डिप्रेशन के हैं, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन के हैं और दोनों एंगल की वैल्यूज हमें पता है 30 एंड 45। इसी के साथ उन्होंने क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस टू बी 100 मीटर, तो जो हाइट है लाइट हाउस की वो 100 मीटर है, ये 100 है, ये 100 है, लेकिन हम एक सेंटर से लाइन ले लेते हैं वो भी हमारा क्या है 100। तो अगर हम सेंटर से लाइन लेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई दोनों तरफ, ओके। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हो, ओके। तो ये हमारी हाइट है जो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 और ये हमारी दो शिप्स है। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इफ द लाइन ज्वाइनिंग देम पासिस थ्रू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ द लाइट हाउस, ओके। तो हमारे पास दो शिप्स है, इसके बीच का हमने डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस हमने पता करना है। लेकिन अगर हमने ये डिस्टेंस पता करना है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको x मान लेते हैं यहां तक और इसको हम y मान लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा x प्लस y। तो अगर मैंने शिप 1 से शिप 2 का जो डिस्टेंस देखना है वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस y, इसका मतलब मेरे को x और y दोनों की वैल्यू चाहिए और दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो वो मेरे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहां पर अब हम बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में, उसमें हमने क्या बोला था, अगर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का सम होगा तो हमारा पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने आपको बताया था दो पैरेलल लाइंस है, उसको अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं तो जो हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे जब बराबर होंगे, ओके। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में कोई एंगल नहीं मिला। अब हाँ, अगर बात करें हम, हमारे पास ये जो लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है ये पैरेलल लाइंस है, ओके। तो ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल की बात कर रही है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई और ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली जो एंगल हमारा 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर है तो दूसरी ट्रायंगल के अंदर भी 45 आ गया, ओके।
अब हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है उसका नाम लिख लेते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब जो सी और डी है वो पोजीशन ऑफ द फर्स्ट शिप है सी एंड पोजीशन ऑफ द सेकंड शिप डी। तो यहां पर आप मेंशन कर लो लेट सी एंड डी बी द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्स और वाई को निकालने के लिए, अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एक ट्राइंगल में से हम एक्स निकालेंगे, दूसरे ट्राइंगल में से हम वाई निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारा जो आंसर है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। सबसे पहले आपने राइट एंगल चूज करनी है, दिस इज योर परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेन और जो एंगल हमारा आ रहा है 30, तो टेन 30 लोगे। तो पहली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर हमारा ए बी आर है और बेस हमारा क्या आ रहा है, बी सी आर है। तो इसमें टेन के साथ हमारा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू 100 है, बी सी की वैल्यू हमारी एक्स है, तो टेन 31/√3 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100√3, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सिमिलरली हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा ए बी ही रहेगा, लेकिन जो बेस है, अब बेस बी से लेके डी तक हो गया, तो बी से लेके डी तक बेस हो गया, तो टेन एंगल हमारा आएगा 45 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी जिसपे मैंने पॉइंट्स बताए थे, वही वाले पॉइंट्स मैं यूज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही रह रहा है, वही पॉइंट हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो वो वीडियो मैं फिर से बोलूंगा आपको कि अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो लेकिन वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, ताकि अगर आपको ये सब समझना है तो ये बड़ा ही आराम से समझ आ जाएगा। और इसी के साथ जो बाकी सब है वो भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, उनके आंसर निकाल सकते हो, आपको बहुत इजी लगेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 100, बी डी की वैल्यू क्या है, वाई, और टेन 45 वन है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 100। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कैसे निकलेगा, एक्स और वाई को प्लस कर दो, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100√3 और वाई की वैल्यू क्या है, 100। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, 100√3 की वैल्यू क्या है, 1.732, तो 1.732 प्लस 100, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 173.2 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल दो डिजिट आगे आ जाएगा, और प्लस 100 करोगे तो ये 273.2 बन गया। इसका मतलब अगर ये मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 273.2। ठीक है जी,